अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। लंबी घनी पलकें चेहरे की खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं, मगर लंबी घनी पलकें सिर्फ दो चार लड़कियों की ही होती हैं। अक्सर खवातीन और लड़कियाँ नकली आई लैशेज यूज करने पर मजबूर हैं, इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी जादुई नेचुरल रेमेडी के बारे में बताऊंगी जो सिर्फ चंद ही दिनों में आपकी पलकें झालर जैसी बना देगी। अगर अनकरीब आपकी शादी है तो आप इस होम रेमेडी को जरूर यूज करें। आपको शादी पर नकली आई लैशेज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी पलकें इतनी लंबी और घनी और प्यारी हो जाएंगी कि लोग नकली आई लैशेज समझेंगे। जब उन्हें इस हकीकत का पता चले तो उन सबके साथ भी ये रेमेडी जरूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपको इस अमेजिंग नेचुरल रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। और इस होम रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें इन अज्जा की जरूरत है। आपने लेनी है इमली, आपने लेना है कैस्टर ऑयल और आपने लेना है खालिस शहद। इस बेस्ट नेचुरल रेमेडी को बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप शीशे या प्लास्टिक की एक साफ प्याली ले लें और इसमें आप एक छोटा चम्मच इमली के गूदे का डाल दें। आपने इमली की जो गुठली होती है वो फेंक देनी है और इसका बिल्कुल सॉफ्ट सा गूदा आपने प्याली में डालना है। इमली एक सदाबहार दरख्त है, इसके पत्ते मार्च और अप्रैल में निकलते हैं। ताजा इमली भूरी और पुरानी इमली काली होती है। इमली के इस्तेमाल से पलकें घनी होंगी और टूटेंगी भी नहीं, बहुत ही कम लोग ये हकीकत जानते हैं। और अब आप इसमें शामिल करें आधे चम्मच से कम खालिस शहद। ये मैं शहद इसमें डाल रही हूं। शहद में मॉइस्चराइजिंग क्वालिटीज मौजूद होती हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी पलकें रेशम की तरह नरम मुलायम हो जाएंगी, घनी और मोटी भी होंगी। बहुत ही अच्छा ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है। और अब आप इसमें आधा छोटा चम्मच कैस्टर ऑयल का ऐड करें। कैस्टर ऑयल ये मैंने खालिस लिया हुआ है एक अंसार की दुकान से। आधा छोटा चम्मच कैस्टर ऑयल आपने प्याली में डालना है। कैस्टर ऑयल से आपकी पलकें तेजी से लंबी होंगी। जब आप ये यूज करेंगे तो आपकी पलकें टूटेंगी भी नहीं। और अब आप चम्मच की मदद से ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें। याद रहे कि खूब अच्छी मिक्सिंग करनी है। ये देखें, मैंने चम्मच की मदद से ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं और हमारी अमेजिंग नेचुरल रेमेडी अब तैयार है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि ये मिक्सचर आप अपने पास बनाकर रख लें। ज्यादा मिकदार में बनाना है तो किसी शीशी में महफूज कर लें और इसको उंगली की मदद से रात सोने से पहले अपनी पलकों पर लगाएं। पूरी रात ये लगा रहने दें और सुबह अपनी पलकें सादा पानी से धो लें। ये मिक्सचर आपकी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पलकें लंबी और घनी करने की ख्वाहिशमंद खवातीन और लड़कियां इस होम रेमेडी को 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करें और नकली आईलैशेस को हमेशा के लिए भूल जाएं। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको हासिल होगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।